अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इसके एमसीक्यूज को हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। पहले तो माजद काफी गैप आना था क्योंकि मुझको कुछ काम था, इसलिए काफी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले चैप्टर के एमसीक्यूज देख लिए होंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट एमसीक्यूज कम्प्लीट हैं, सिर्फ दो तीन चैप्टर के एमसीक्यूज बाकी। इंशाल्लाह मैं वो भी बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी ज्यादा एमसीक्यूज है और काफी ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे इसमें इंशाल्लाह हम। तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास, मैंने यहां पर टेबल बनाया है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिहाज से, डोमेन और रेंज भी जो यहां पर मैं शो कर रहा हूं कि इसको आप देख सकते हैं कि अगर, लेकिन अगर इसको आपको समझना भी है कि किस तरह इसका डोमेन और रेंज बन रहा है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं पहले। तो उस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी ये देख सकते हो। फिलहाल के लिए आप यहां से टेबल मैंने शो कर दिया है, इससे आप वैल्यूज को याद रखोगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया काफी ज्यादा एमसीक्यूज है, काफी ज्यादा टॉपिक है। अगर मैं इसको समझाने जाऊंगा तो फिर वीडियो और लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक रफ सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। यहां पर हमारे पास जैसे साइन और कॉस के लिहाज से जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है। जिसका रेंज है हमारे पास वो क्या है, -1 से लेकर 1। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है, इंटरवेल में आपने पढ़ा होगा कि हम एंड पॉइंट को शामिल करते हैं। ठीक है ना, जिसे इसका मतलब है -1 और 1 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। जैसे नीचे राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवेल में -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। अगर कोई एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा तो हम राउंड ब्रैकेट से शेयर करेंगे, अगर इंक्लूड होगा तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। तो यहां पर सारा मेंशन किया हुआ है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। अच्छा, अब जो इनवर्स की बात करेंगे तो मसला ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो हर फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सामने मैंने एक और टेबल बनाया हुआ है, ये वाला टेबल, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्ट डोमेन के लिहाज से टेबल गिवन है कि इसका मतलब है -π/2 से लेकर π/2 जब हम रिस्ट्रिक्ट डोमेन में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप देख लें, डोमेन और एक जनरल फॉर्म में और एक हमारे पास रिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। ठीक, इशू ये है कि बुक में इतना खास तौर पर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि रिस्ट्रिक्ट में आपको निकालना है, विदाउट रिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। तो इसका जो डिफरेंस आप समझ लें कि वो आप थीटा के लिहाज से इसका डिफरेंस देख लें कि नॉर्मल में थीटा से शो किया हुआ है और जहां रिस्ट्रिक्ट की बात की उसने तो वहां पर एक्स से उसने क्या किया है, शो किया है। ठीक है, तो यहां पर टेबल बना हुआ है, इस टेबल से आप देख सकते हैं इसको। इसके अलावा ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कभी कभार आर्क साइन का मतलब होता है साइन इनवर्स। ठीक है, तो कभी कभार आर्क साइन से भी आपको सवाल में दे सकता है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो इस टेबल को आप देख लें, इसको आप लिख लें, इससे हम एमसीक्यूज में गाइड लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। जैसा कि हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, इफ वाई इक्वल टू साइन एक्स देन डोमेन। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स में हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट डोमेन हम लेंगे, तो इसलिए यहां पर तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो उसका डोमेन होता है वो -π/2 से लेकर π/2 होता है। ठीक है, इसी तरह कॉस का हमसे रेंज पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था साइन और कॉस दोनों में ही जो रेंज होता है वो हमारे पास क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, -π/2 से 2 और π/2 तक। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं -1 से लेकर कहां तक 1 तक। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, चूंकि इसके नीचे लाइन लगा हुआ है। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, चूंकि टेन का रेंज रियल नंबर होता है, तो टेन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, ये टेबल में सब कुछ मौजूद है, तो वहां से इसको आप देख सकते हो। इफ वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, जो इसका रेंज हमारे पास है वो क्या है, 0 to π, लेकिन इसके अंदर π/2 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, y≠π/2। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हमारे पास जब कभी भी, अगर हम जनरल बात करें कब एग्जिस्ट करेगा, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
1-to-1 का ऑन टू में नहीं होता, इसलिए हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 1-to-1 में। तो इसलिए हमारे पास जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उसका इनवर्स हमारे पास क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या लेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स। इसका हमारे पास छोटा सा प्रूफ भी है, लेकिन फिलहाल अभी मैं प्रूफ पर नहीं जा रहा। आप इसको इतना समझ लें कि साइन का आंसर क्या होता है, कॉस। कॉस का आंसर क्या आएगा, साइन। टेन का आंसर आएगा कॉट। कॉट का आंसर क्या आएगा, टेन। सेक का आंसर क्या आएगा, कॉसेक। और कॉसेक का आंसर क्या आएगा, सेक। इस तरह आप इसको याद कर सकते हो, सिंपल। पाई बाय टू माइनस टेन, अगर यहां पर टेन होगा तो पाई बाय टू माइनस कॉट, अगर यहां पर साइन होगा तो पाई बाय टू माइनस कॉस। ठीक है, इस तरह आप यह क्या करेंगे, याद करेंगे। तो कॉट है तो कॉट का आंसर क्या होगा, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। एमसीक्यू नंबर 7, ये थोड़ा समझने वाला है, sec sin इनवर्स माइनस 1/2। तो sec को हम वैसे लिख देंगे, sin माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन के, तो हम माइनस साइन को हम बाहर लिख लेंगे। अब हम चेक करेंगे sin 1/2, sin इनवर्स 1/2। आपको ये देखना है कि sin किस एंगल पर 1/2 के बराबर होता है। ठीक, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद की होगी आपने, तो बहुत मस्ट है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए लाजमी। इसके अलावा अगर आपको याद नहीं है तो आपको टेबल बनाना आना चाहिए। किसी भी तरह आपको इसको याद रखना है, या आप इस ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो कि यहाँ 1, ये √3 और ये आपके पास क्या है 2, ये हमारे पास है 30 डिग्री, ये हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो 30 के लिहाज से हमारे पास साइन किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब आप जानते हो कि कॉस माइनस सीटा बराबर होता है प्लस कॉस के, तो अगर कॉस प्लस के बराबर होगा तो सेक का भी सेम कहानी होगा। ठीक है, यानी कि कॉस में नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये देखना है चूंकि हमें सेक निकालना है तो हम पहले कॉस निकाल लेते हैं कि कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होगा। तो ये रहा 30 डिग्री, कॉस के लिहाज से आप जानते हो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो कॉस बराबर होता है √3/2 के 30 डिग्री के लिहाज से। ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर सेक बोल रहा है तो हम क्या लेंगे, 2/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 8 है, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी। इसको एक तो आप प्रूफ करते हो, सवाल आपने किया होगा 12.4 में, और इसके अलावा 12.4 के एग्जाम्पल में ये फार्मूला बना के भी दिया हुआ है, तो एमसीक्यूज के तो आपको फार्मूला अगर आपको याद हो तो बहुत बेहतर है, वरना प्रूफ करने जाएंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो वहां से आप इसके एग्जाम्पल से देख सकते हो, या आपने उसको प्रूफ भी किया होगा, आपके टीचर ने करवाया होगा, या एग्जाम्पल से आपको रेफरेंस दिया होगा, तो जिसका आंसर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ए बी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9, कॉस साइन इनवर्स ये 1/√2 है। ठीक है, 1/√2, अगेन सेम कहानी है। अब √2 के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और टेबल है 1 1, और ये √2, और यहां पर हमारे पास क्या होता है 45 डिग्री। तो आपको ये चेक करना है कि साइन किस एंगल पर 1/√2 के बराबर होता है, तो साइन और कॉस दोनों 45 डिग्री पर किसके बराबर होता है, 1/√2 के। तो इसका मतलब ये है कि कॉस को तो हम वैसे लिखेंगे, और साइन इनवर्स 1/√2 की जगह हम लिख सकते हैं 45 डिग्री। अब आपको ये निकालना है कि कॉस 45 किसके बराबर होता है, तो कॉस 45 किसके बराबर होता है, 1/√2 के। तो यहां पर अच्छा ये आपके पास आंसर है 1/√2। टेन इनवर्स माइनस एक्स, आपने भी पढ़ा कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन के, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस के, इसी तरह टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन के, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स हमारा बराबर होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेन इनवर्स माइनस वन। तो अभी हमने बताया था माइनस टेन को आप बाहर निकाल लो, तो ये हमारे पास बच जाएगा टेन इनवर्स वन। ठीक है, तो टेन किस एंगल पर वन के बराबर होता है, तो हम जानते हैं 45 डिग्री पर टेन जो है हमारा वन के बराबर होता है, तो माइनस वैसे रहेगा, 45 का मतलब होता है पाई बाय 4। तो इस लिहाज से जो उसका सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 12, इफ टेन 2x इक्वल टू -1 देन सोल्यूशन इन द इंटरवेल। आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। आपने 12.5 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा कि 2x हमारा बराबर हो गया टेन इनवर्स
-1 के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इश्यू है। पहले तो आप माइनस साइन या प्लस साइन को भूल कर आप चेक करते हो सिर्फ वैल्यूज पर। वैल्यू हमारे क्या है, 1। आपको ये पता होना चाहिए कि टेन किस एंगल पर 1 के बराबर होता है। तो हम जानते हैं टेन 45 डिग्री पर किसके बराबर होता है, 1 के। इसका मतलब जो हमारा थीटा है वो किसके बराबर है, 45 डिग्री के। 45 का मतलब होता है पाई बाय 4, ठीक है। अब एक इश्यू है यहां पर कि पहले तो हम थीटा निकालते हैं, फिर हम ये बेसिकली ये थीटा हमारा आंसर नहीं होता, आंसर हम यहां से निकालते हैं। अगर फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम थीटा लेंगे, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप क्या लेते हो, पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम क्या लेते हैं, माइनस थीटा, या फिर हम 2π-θ से इसका क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। अगर आपने 12.5 पढ़ा है तो आपने वहां पर ये सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। खैर, तो हमें ये दिखना है tan, तो tan कहां कहां पर नेगेटिव होता है, एक तो tan सेकेंड में नेगेटिव होता है और tan आपका फोर्थ में नेगेटिव होता है। इस दो क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो थीटा किसके बराबर है, पाई बाय फोर के, और सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, थीटा बराबर है पाई बाय फोर के। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये बराबर हो जाएगा 3π/4 के, ठीक हो गया। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट के लिहाज से। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से हम क्या जानते हैं, या तो हम माइनस थीटा लेंगे या हम 2π-θ लेंगे। तो बिलावज इतने लेंथी में क्यों जाए, तो हम सिंपल माइनस थीटा लेंगे, यानी कि माइनस का पाई बाय फोर। तो आपको जो आंसर बोल रहा है वो इस इंटरवेल के अंदर रहना है, माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक। तो इसलिए यहां पर हम सिंपल क्या लेंगे, माइनस पाई बाय फोर आंसर कंसिडर करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सॉरी, माइनस पाई बाय फोर, ठीक है। तो यहां पर 2x है ना, तो 2x हमारा बराबर हो जाएगा किसके, माइनस पाई बाय फोर के। यहां देखिए बहुत ध्यान से कि 2 हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उस तक जाएगा क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड हुआ मतलब ये 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 8। 13 जनरल सॉल्यूशन, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां माइनस का 8 उस तरफ जाएगा क्या होगा, प्लस का 8, 4 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा, डिवाइड में। तो इसका मतलब साइन एक्स आपका बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहां से आपका एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 के, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि टेबल में 2 आता है साइन के फंक्शन में, तो हमने देखा है कि टेबल में 2 नहीं आता। तो अगर टेबल से हटकर कोई वैल्यू आती है तो सिंपल हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आ रहा है फिर हम इतना पंचायत नहीं करते हैं, सिंपल उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, प्लस 2 एंड पाई, अगर साइन या कॉस है तो, ठीक है, या सेक या फिर कॉसेक है तो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा आंसर, कुछ यहां पर आंसर ये नहीं दिया हुआ है, जिससे यहां पर हम क्या लेंगे, नॉट पॉसिबल। अगर ये आंसर होगा तो आप ये वाला आंसर कंसिडर करोगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल। एमसीक्यू नंबर 14 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से साइन एक्स जो है आपका ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस अंडर 3 अपॉन 2 के, ठीक है। आपको पता है ये प्लस का अंडर 3 सब जाएगा क्या होगा, माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई में सब जाएगा क्या होगा, डिवाइड में। तो एक्स आपका बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस अंडर 3 अपॉन 2 के, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सॉल्व करने के लिए आप माइनस साइन को फिलहाल के लिए भूल जाओ। आप ये देखो अंडर 3 अपॉन 2 है, आपको बताना चाहिए कि साइन किस एंगल पर अंडर 3 अपॉन 2 के बराबर होता है। तो हम जानते हैं साइन 60 डिग्री पर बराबर होता है अंडर 3 अपॉन 2 के, और 60 का मतलब होता है अल्लाह भला करे पाई बाय 3। अब आपको ये देखना है कि साइन कहां कहां नेगेटिव होता है। तो साइन एक तो आपका थर्ड में नेगेटिव होता है, एक फोर्थ में नेगेटिव होता है, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड के लिहाज से फार्मूला होता है पाई प्लस थीटा, और फोर्थ के लिहाज से फार्मूला मैंने आपको बताया माइनस थीटा या फिर 2π-θ। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, पाई बाय 3, तो हम सिंपल क्या लेंगे, माइनस का पाई बाय 3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर सवाल में थर्ड क्वाड्रेंट कहता तो आप क्या करते, पाई प्लस पाई बाय 3 करते, ठीक है। इस चीज को आप समझ लें, तब आपका आंसर होता 4π/3। लेकिन चूंकि हम क्या बोल रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से जो आंसर हम लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस पाई बाय 3 लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, एमसीक्यू नंबर 15 ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पीरियडिक फंक्शन, क्योंकि ये एक खास एंगल के बाद अपने वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है। इसका पीरियड क्या होगा अभी आगे हम पढ़ेंगे, पीरियडिक फंक्शन भी है आगे,
तो वहां पर इसको हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास क्या होता है, पीरियडिक फंक्शन होता है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 16, जनरल सॉल्यूशन ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंसिस्ट। जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम इन्फाइनाइट आंसर लेते हैं, ठीक है, यानी कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। 17, द पीरियड ऑफ कॉस थीटा, जो कॉस थीटा का हमारे पास पीरियड होगा वो क्या होगा। तो कॉस, साइन, सेक और कॉसेक, ये जो चार फंक्शन है इसका पीरियड हमारे पास होता है 2π। टेन और कॉट का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाए, इसको आप याद कर लो, ठीक है। तो साइन कॉस, कॉस आपसे पूछ रहा है तो कॉस का पीरियड क्या होगा, 2π, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 18, वन सॉल्यूशन ऑफ sec x माइनस 2। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहां से आपका जो x है ये बराबर हो जाएगा आपका sec इनवर्स माइनस 2 के, ठीक है। अगेन आप माइनस साइन को भूल जाओ, आप सिर्फ 2 देखो, तो आपको पता होना चाहिए कि sec किस एंगल पर 2 के बराबर होता है। तो हम जानते हैं, अगर हम मैं cos से निकालूं तो हम जानते हैं कि cos 60 बराबर होता है 1/2 के, तो sec 60 किसके बराबर होगा, 2 के, और 60 का मतलब होता है क्या होता है, π/3, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि sec कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, चूंकि नेगेटिव फंक्शन है, तो हमने पढ़ा है कि cos जो है सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो अगर cos यहां पर नेगेटिव होता है तो लाजमी से बात है sec भी यहां पर नेगेटिव होगा। सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, पाए माइनस थीटा, तो पाए माइनस से जो आप क्या करोगे, सॉरी थीटा किसके बराबर है, पाए बाय 3 के, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 2π/3 के, सही है। जब फोर्थ के लिहाज से आप करोगे तो फोर्थ का फॉर्मूला होता है पाए प्लस थीटा, यानी कि पाए प्लस पाए अपॉन 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 4π/3, ठीक। तो आपको क्या बोल रहा है, इसका आपको एक सॉल्यूशन निकालना है, तो एक सॉल्यूशन कौन सा मौजूद है यहां पर, 2π/3, ठीक है। 19, cos थीटा इक्वल टू -1/2, sin थीटा इक्वल टू -√3/2, तो कौन सा एंगल है इसको आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हो कि दोनों किस एंगल पर -1/2 और -√3/2 के बराबर आ रहा है, या थीटा बराबर है अगर हम cos के लिहाज से बात करें, तो यहां पर हमारे पास cos उस तरफ जाएगा और cos इनवर्स 1/2, 1/2 cos किस एंगल पर आता है, 60 डिग्री पर, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 60 का मतलब होता है π/3, और cos कहां कहां नेगेटिव होता है, अभी हमने यहां पर देखा एक सेकेंड में और थर्ड में। सेकेंड के लिहाज से जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2π/3, थर्ड के लिहाज से जो बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास, 4π/3। साइन को चेक करते हैं, साइन किस एंगल पर √3/2 के बराबर होता है, तो अगेन साइन 60 बराबर होता है √3/2, 60 का मतलब यहां पर भी थीटा किसके बराबर हो गया आपका, π/3 के। अब साइन कहां कहां नेगेटिव होता है, तो साइन एक तो थर्ड में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो थर्ड के लिहाज का फॉर्मूला क्या होता है, π/θ, और थीटा किसके बराबर है, π/3 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4π/3 के। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या होगा, -π/3, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या आ रहा है, 4π/3, तो यहां पर जो इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो क्या होगा, 4π/3। एमसीक्यू नंबर 20, द पीरियड ऑफ साइन x/2, साइन का पीरियड 2π होता है, तो ये x/2 का क्या होगा। अच्छा, खैर टेंशन नहीं लेना, आपको बहुत आसान है, साइन को आप वैसे लिख दो, ये 2 है, इस 2 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो जो भी नंबर दिया हुआ एंगल के साथ उसको आप ब्रैकेट के बाहर लिख दो, ठीक है, सिंपल सा पैटर्न है। प्लस पीरियड ये होता है कि आप वो पीरियड कहलाता है कि जिस एंगल को आप ऐड करो, और ऐड करने से आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। हम मान लेते हैं पी इसका पीरियड है, ठीक है। खैर अब आप मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा साइन x/2 प्लस π/2, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि साइन का पीरियड क्या होता है, तो साइन का पीरियड होता है 2π, इसका मतलब π जो 2 है आपका ये बराबर होना चाहिए 2π के, ठीक है। तो यहां से जो 2 डिवाइड में उस सब जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो जो आपका p है वो बराबर हो जाएगा 4π के, ठीक है। तो जो इसका पीरियड बनेगा वो क्या बनेगा, 4π। द वैल्यू ऑफ cos 5π किसके बराबर होगा,
तो सिंपल पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अब 5 से मल्टीप्लाई करवा दो 180 को और टेबल कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल लो। तो एक ये तरीका इसका आंसर निकालने का। इसके अलावा पाई, पाई का मतलब होता है कॉस पाई बराबर होता है -1 के, फिर 2 पाई किसके बराबर होगा +1 के, 3 पाई बराबर होगा -1 के, 4 पाई बराबर होगा +1 के और 5 पाई बराबर हो जाएगा आपका -1 के। ठीक है, तो आप किसी भी तरह निकाल सकते हो। अगेन थ्री द पीरियड ऑफ 3 sec x/3, टेंशन नहीं लेना आपको, sec वैसे लिखो, 1/3 वैसे लिखो और यहां पर आप लिख दो x और जो इसका पीरियड है वो मान लो p है। ठीक है, अब 1/3 को मल्टीप्लाई करवाओ तो sec ये हो जाएगा आपके पास x/3 और प्लस p/3। चूंकि sec है, sec का पीरियड क्या होता है मैंने आपको बताया, साइन cos sec और cos sec, जो इनका पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो p/3 बराबर होना चाहिए आपका किसके, 2 पाई के। तो यहाँ 3 डिवाइड में वो सब जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो जो आपका पी है वो बराबर हो जाएगा 6 पाई के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 10। अच्छा, अगर फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल से फर्क पड़ता है। 7x है, हर वाली बात है, 10 लिखो, 7 को हटाओ, x प्लस पी कर दो। ठीक है, अब आप 7 को मल्टीप्लाई करवाओ तो 10 आपके पास हो जाएगा 7x प्लस 7p। तो इसका मतलब ये 7p। अब आपको पता होना चाहिए 10 का पीरियड क्या होता है, तो 10 का पीरियड होता है पाई, पी 7 यहां मल्टीप्लाई में, उस तब जाए क्या होगा डिवाइड में, यानी कि पी बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 7 के। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आया होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।